है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चा दो महीने से कम का है तो उसको जो ORS देंगे वो हम 5 चम्मच देंगे बनाकर, ठीक है। 2 महीने से अगर बच्चा 2 साल का है तो हम उसको 1/4 कप से 1.5 कप तक देंगे बनाकर, और अगर बच्चा 2 साल से 5 साल तक का है तो हम उसको 1/2 कप से 1 कप पानी में बनाकर देंगे। जो ORS होता है उसको 24 घंटे के अंदर, घुला हुआ ORS को 24 घंटे के अंदर आपको पिलाना होता है। अगर उसके बाद बच जाती है तो आप उसको फेंक के उसको फिर से यूज़ ना करें, ठीक है। जब भी आप ORS बनाएंगे तो 3 चीज़ें आपके देखनी होगी कि ORS जो है पहले तो कहीं भी पैकेट में कोई 6 देर ना हो, कोई एक्सपायर्ड ना हो, या फिर उसमें कोई ढेर नहीं पड़ी हुई हो। जब आप ORS बनाते हैं तो आप जो पहले अपना हाथ धोएंगे अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएंगे, उबला हुआ पानी लेंगे, नहीं तो फिल्टर का पानी लीजिएगा। 1 लीटर पानी लेना होता है और उसमें इस तरह का 1-2 पैकेट पूरा डिजॉल्व करना होता है। ये पैकेट आप डिजॉल्व करिएगा और उसी को आप बना बना कर आप देंगे, ठीक है। और इसके साथ जिंक देना जरूर होता है, क्योंकि जो जिंक कहा जाता है कि अगर डायरिया में आप जिंक देते हैं तो ये नेक्स्ट 3 मंथ तक के लिए, 3 महीने तक के लिए दोबारा दस ना लगे इससे बचा पाए, तो 3 महीने तक के लिए आपको जिंक देना, 14 दिन तक के लिए आपको जिंक देना चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो आप उसको 10 mg देंगे। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की टिकिया मिलती है जो आधी देनी होगी, और अगर 6 महीने से ज़्यादा तो पूरी टिकिया को देंगे। कैसे देंगे, माँ के दूध में या फिर आप मिलाकर दे दीजिए, नहीं तो पानी में मिलाकर घोल बनाकर उसको पिलाइएगा। अगर आप सिरप देते हैं तो 1-5 ml का पूरा सिरप में 20 mg होती है। तो अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो आप उसको 2.5 ml देंगे, नहीं तो ये ड्रॉप्स आता है जो आप 0.5 ml देंगे तो 10 mg जाएगा बच्चे को, ठीक है। अस्पताल कब आना है, अब पता कैसे चलेगा कि डिहाइड्रेट, मतलब आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की कमी हो गई है, वो आपको कैसे पता चलेगा। अगर बच्चे का आंखें धस गई है या फिर जो चमड़ी है वो ढीली पड़ गई है, बच्चा पेशाब कम कर रहा होगा, या फिर बच्चे का मुंह सूख रहा होगा, या बच्चा बार बार पानी मांग रहा होगा पीने के लिए, तो इस समय हमें पता चल जाता है कि बच्चे के शरीर में पानी की और खनिज पदार्थ की कमी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा सुस्त पड़ जाता है और बच्चा बिल्कुल पानी नहीं मांग रहा है, लेकिन कुछ पूरा पूरा सुस्त पड़ा हुआ, तो उस वक्त आपको तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर आना है। और जिनके छोटे बच्चे 6 महीने से कम वाले हैं, अगर बच्चा बार बार लैट्रिन कर रहा है तो आपको क्या करना, अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना है, आपको अपना दूध पिलाते रहना। बाहर के दूध पे करते हैं बच्चे पतली लैट्रिन, बहुत बार करते हैं, 6-7-8-20 बार भी करते हैं।